हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई एंड लाइफस्टाइल जोन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है गणेश जी की कथा। आज मैं आप लोगों के लिए जो गणेश जी की कथा लेकर आई हूँ वह एक चमत्कारी कथा है जिसमें कि खीर बन गई हीरे जवाहरात। गणेश जी की यह कथा सुनना बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए गणेश जी की व्रत कथा का वीडियो लेकर आई हूँ। तो मुझे यकीन है कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप लोग मेरा आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको गणेश जी की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो गणेश जी की व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार गणेश जी ने पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की परीक्षा लेने की सोची। तो गणेश जी ने अपने माता पिता से पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए अनुमति मांगी। कहा कि मैं बालक का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और मनुष्यों की परीक्षा लूंगा। इस पर उनके माता पिता ने उनको अनुमति दे दी। अनुमति मिल जाने पर गणेश जी एक बालक का रूप धरकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। भक्तों की परीक्षा लेने के लिए गणेश जी ने एक चुटकी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर लोगों के पास गए और उनसे दूध एवं चावल की खीर बनाने के लिए कहा। एक चुटकी चावल और थोड़े से दूध की खीर बनाने की बात सुनकर लोग उन पर हंसने लगे। दिन भर भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने भी खीर नहीं बनाई। एक गांव में एक बुढ़िया को उन पर दया आ गई और वह बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ खीर। ऐसा कहकर वह एक छोटी कटोरी ले आई। यह देखकर बालक बोला, अरे माँ इस कटोरी से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। बच्चे का मन रखने के लिए बुढ़िया बड़ा बर्तन ले आती है। बर्तन लाने पर बालक उसमें चावल और दूध डालने लगता है। देखते ही देखते वह बर्तन भर जाता है। उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं होता है। बुढ़िया एक एक करके घर के सारे बर्तन ले आती है, सब भर जाते हैं लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं होता है। बालक बुढ़िया से कहता है कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे। तब बालक बुढ़िया से कहता है कि जब तक खीर बनती है तब तक मैं नहाकर आता हूँ और तुम जाकर गांव में खीर खाने का निमंत्रण दे आओ। निमंत्रण देकर आने के बाद बुढ़िया खीर बनाने लगती है। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके लिए भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, कहीं ये बालक को बता ना दे, तो एक कटोरा भर कर उसे भी खीर दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया और बुढ़िया को भी भूख लगने लगी तो वह भी एक कटोरा खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठ कर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने उस बालक से कहा, खीर बन गई है, मैं तो तुम्हारी कब से राह देख रही थी। बालक ने कहा, बुढ़िया मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई। बालक ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी रही है और फिर कब खाई। बालक ने कहा, चक्की के नीचे देखो वह जूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो भोग लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने बालक से कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। इतने में ही नगर के लोग भी आ गए। बुढ़िया ने पूरी नगरी को भी अच्छे से खीर खिला दी, तब भी खीर बच गई। बुढ़िया अब बालक से पूछती है कि वह इस खीर का क्या करे। तब बालक ने कहा कि इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तनों में भरकर ढककर रख दो। और उसके बाद बालक वहाँ से चला गया। जब बुढ़िया सुबह उठी और बुढ़िया ने
बर्तन को खोलकर देखा तो बर्तन खीर की जगह हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। इस पर बुढ़िया को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह सारी बात समझ गई कि बालक के रूप में स्वयं गणेश जी आए थे। बर्तनों में हीरे जवाहरात भरे हुए देखकर बुढ़िया ने गणेश जी का धन्यवाद अदा किया। बुढ़िया के जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। इस तरह हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और कथा के अंत में ये जरूर बोलना चाहिए कि गणेश महाराज की जय। तो ये थी गणेश जी की व्रत कथा जो कि मैंने आपको सुनाई। तो मुझे यकीन है कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।